गए पवन सुत लाने संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नरवानर घबराए। गए पवन सुत लाने संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नरवानर घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नरवानर घबराए। सब लोग भय सुनसा, सब लोग भय सुनसा, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम बुलाते हैं तुझे भगवान बुलाते हैं। राम बुलाते हैं तुझे भगवान बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बोले गए पवन सुत लाने संजीवन, अब तक क्यों नहीं आए। और सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर वानर घबराए। सब लोग बड़ी चिंता में लग गए कि आज यदि हनुमान जी नहीं आए तो फिर लक्ष्मण सदा के लिए सो जाएंगे। भगवान श्री राम अंदर से व्यथित हो रहे हैं। भगवान लक्ष्मण को देख देख कर, जैसे जैसे लक्ष्मण जी की श्वास, उनकी जो प्राणवायु है वो जैसे जैसे कमजोर हो रही है, जैसे जैसे उनके हृदय की गति, जो जैसे जैसे जो हार्ट बीट है वो जैसे जैसे कम हो रही है, नब्ज ब्लड प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हनुमान जी भगवान श्री राम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं। बोले कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते। कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते। हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे, हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। यूं रुदन करत है महा, यूं रुदन करत है महा, तुझे श्री राम बुलाते हैं।
के आजा हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान, हनुमान। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते। कभी तड़पते और कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते, लेकिन अब पूरी सेना थी उनके सामने, भगवान रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि कल यदि भगवान स्वयं यदि ऐसा कुछ करने बैठ जाए तो सेना का क्या हाल हो। इधर लंका पर चढ़ाई करनी, उधर रावण के हमले, उधर रावण की हम सामने राक्षसी सेना, और भगवान अपने मन ही मन व्यतीत हो रहे कि मैं कुछ भी ऐसा कर पाया कर गया तो सामने जो हमारी जो सेना है वो तो बिल्कुल निराश हो जाएगी। देखिए कैसा मंजर है। अब धीरे धीरे आधी रात चली गई, धीरे धीरे आसमान में नीला रंग छाने लगा, बहुत कम समय सुबह को होने को बचा। भगवान बार 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 उसी दिशा में देख रहे कि हनुमान कब आएगा भाई। कहा बीत गई अब, बीत गई सब रेण घड़ी, अब भोद रही है बाकी। देख देख कर रहा तुम्हारी बेदन अखियां थाकी, कहीं उदय न हो जाए था। कहीं उदय न हो जाए भा, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। सारी देर बीत गई, सारी रात, और सबको लगने लगा कि अब दुनिया में लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे। भगवान की आंखों से आंसू निकल ही गए। पूरी वानर सेना रुदन कर रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा, जैसे पृथ्वी ये पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया हो, रुक गया हो, हवाएं थम गई हो और सुनसान पूरा जगत हो गया हो। और उधर हनुमान जी
हनुमान जी जल्दी से जल्दी पर्वतों में ढूंढ रहे, पर उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी। बल और बुद्धि के विवेक के देवता है, अचानक से उनको भगवान ने प्रज्ञा अंदर से जगाई। बोले हनुमान ऐसे तो भटकता रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपना बल को जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने अपने एक हाथ से पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही हाथों पे उठा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आसमान में नीला रंग होने लगा और हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव से विनती की, बोले भगवान थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज यदि तुम उग गए तो मेरे भगवान का काम अधूरा रह जाए। सूर्य देव से विनती की, बोले भगवान थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हनुमान पवन वेग के साथ में पहुंचेगा। और तभी सूर्योदय से एकदम पहले हनुमान जी महाराज पूरे द्रोणागिरि पर्वत को लेकर उस वन में, उस युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गए। दिव्य रोशनी के साथ में जब हनुमान जी नीचे उतरे तो सारी वानर सेना के चेहरे पे खुशी आ गई। तुरंत से बेची जड़ी बूटी उसमें से ढूंढ के लाए और लक्ष्मण जी को घोट के उस संजीवनी बूटी का लेप लगाया। और जैसे ही लेप लगाया, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। चारों तरफ हनुमान जी महाराज के जयकारे सुनाई दिए। दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए आप भी, बड़ी वीर बजंग बली की। तात समय हनुमान संजीवन ले सेना में आए। एक बार सभी लोग हाथों को उठा के ताली के साथ में हनुमान जी के चरणों में, इधर वाले भी। लक्ष्मण प्राण बचाए, झूमरी लाली धनी बाजे दंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। तब जाग उठे बलवान। लक्ष्मण जी जग गए, ताली बजाओ आप लोग। भगवान की वेदनाओं को हनुमान जी ने मिटाया। भगवान चाहते तो एक मिनट में संजीवनी बूटी क्या उसका भाव लाके रख देते। भगवान चाहते तो लक्ष्मण को मूर्छित ही नहीं होने देते। भगवान चाहते तो एक मिनट में रावण को वहीं लंका में बैठे बैठे खत्म भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान को ये पूरी लीला दुनिया को दिखानी थी कि मर्यादा क्या होती है। झगड़ा, लड़ाई, युद्ध नीति से लड़ा जाता है, अनीति से नहीं। और अपने कई सारे भक्तों को, जटायु को, अंगद को, नल नीर, ऐसे बहुत सारे भक्तों को दुनिया के सामने लाना था कि देखो ये देखिए। अभी तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आ रहा था, आपके शायद व्हाट्सएप पर उसके क्लिप आए होंगे। रामायण में भगवान के सबसे बड़े सहयोगी, सबसे पहले आतंकवाद से लड़ने वाला कौन था? कई लोगों ने जवाब दिया हनुमान जी थे, कई लोगों ने जवाब दिया सुग्रीव थे। लेकिन शास्त्र प्रमाण है इस बात को, इस विश्व में सबसे पहले आतंक से लड़ने वाले जटायु थे। रावण ने उनके पंख काट दिए, लेकिन पंख कटने के बाद में भी जटायु रावण के उस दैत्य प्रवृत्ति से लड़ते रहे। तो हमको भी एक बार शक्ति दे हनुमान जी महाराज कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वीर बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर, उनका बल लेकर दुश्मनों को दलने के लिए काम आए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। Stop!
तब जाग उठे बलवा तुझे शीरा बुलाते। आलोक के आजा हनुमा तुझे शीरा बुलाते। राम बुलाते है तुझे भगवान बुलाते। के आजा हनुमा तुझे सीधा बुलाते। राम बुलाते श्री राम बुलाते श्री राम बुलाते हैं।